मूवी का स्टार्ट होता है 1899 में, जहाँ पर न्यूयॉर्क में रहने वाले हम डॉक्टर एलेक्स को देखते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी में मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। इसके अलावा वो एक जीनियस इन्वेंटर भी थे। असल में डॉक्टर एलेक्स पर जुनून सवार था कि वो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को प्रूव करके दिखाए, लेकिन एलेक्स के फ्रेंड का मानना था कि उसे एक बड़ी कंपनी में इजिली जॉब मिल सकती है। लेकिन एलेक्स किसी के अंडर जॉब करने वाला नहीं था, बल्कि वो तो अपने इन्वेंशन पर काम करना चाहता था। एलेक्स की एक फियांसे भी होती है जिसे वो बहुत प्यार करता है, और आज भी वो अपनी फियांसे से मिलने ही जा रहा था, जहाँ पर रास्ते में उसकी नजर एक बंद पड़ी खराब गाड़ी पर पड़ती है, क्योंकि उस टाइम में गाड़ियाँ बहुत कम थी, इवन ना होने के बराबर। फिर उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो हमेशा की तरह गाड़ी के ब्रेक्स को लॉक करना भूल गया था। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी किसी को कुचल कर किसी की जान लेती, तब एलेक्स बिल्कुल ठीक टाइम पर उसके ब्रेक्स को लॉक कर देता है। इसके फौरन बाद एलेक्स अपनी फियांसे से मिलता है। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अचानक से एक चोर आकर उन्हें लूटने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो एलेक्स की फियांसे को मार डालता है। अब एलेक्स ये देखकर काफी टूट जाता है। वो अपनी फियांसे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो टाइम मशीन बनाएगा जिससे वो अपनी फियांसे की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, उसके पास्ट टाइम में ट्रेवल करके उसकी मौत को रोक कर। तो वो ऐसा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और फिर फाइनली 4 साल बाद 1903 में वो एक टाइम मशीन इन्वेंट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस इन्वेंशन के बारे में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताता, जो कि हमेशा एलेक्स के लिए फिक्रमंद रहता था। फिर एलेक्स टाइम वेस्ट किए बगैर फर्स्ट टाइम उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो पीछे के टाइम में यानी पास्ट में 1899 में ट्रेवल करता है, जहाँ पर वो अपनी फियांसी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पहले कि वही एक्सीडेंट रिपीट होता, वो अपनी फियांसी को वहाँ से दूर ले जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स इन्वेंटर होने के बावजूद भी टाइम और स्पेस की एक स्टेटमेंट को भूल गया कि एक बार जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, यानी किसी भी टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब एलेक्स अपनी फियांसी को प्रपोज करने के लिए फ्लावर्स लेने जाता है, तब वही गाड़ी जिसकी ब्रेक ड्राइवर हर बार लॉक करना भूल जाता है, उसकी गाड़ी फिर से खराब हो जाती है। लेकिन अचानक से वो गाड़ी चल पड़ती है, और उस गाड़ी के नीचे आने की वजह से एलेक्स की फियांसी की मौत हो जाती है, जिससे एलेक्स एक बार फिर काफी दुखी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, और इस टाइम वो फ्यूचर में जाने का सोचता है, इस उम्मीद में कि शायद फ्यूचर के लोग ये जानते हों कि पास्ट के टाइम को कैसे चेंज किया जाता है। इसीलिए वो 2030 में ट्रेवल करता है, जहाँ पर इंसान चांद पर जिंदगी गुजारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद एलेक्स वहाँ पर एक लाइब्रेरी जाता है मजीद टाइम ट्रेवल के बारे में समझने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात एक होलोग्राफिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरियन से होती है, जहाँ पर एलेक्स उससे पूछता है कि पास्ट टाइम को कैसे चेंज किया जाता है, जिस पर वो लाइब्रेरियन बताता है कि अभी तक इस टाइम में टाइम ट्रेवल मशीन इन्वेंट नहीं की गई। तब ये सुनकर एलेक्स और ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन स्टिल वो हार नहीं मानता। इसीलिए अब वो और भी आगे के टाइम में 7 साल बाद 2037 में ट्रेवल करता है, लेकिन इस टाइम में उसे जमीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मिलती है। तब दो सोल्जर से उसे पता चलता है कि माइनिंग की वजह से लूनर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से चांद अब पूरी तरह से टूट रहा है, और चांद का मलबा टूटकर जमीन पर गिर रहा है, और अब चांद जमीन के इतने करीब आ चुका है कि वो किसी भी टाइम जमीन से टकरा सकता है। तब वो दोनों सोल्जर्स एलेक्स को रेस्क्यू करने की कोशिश में उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे बचते हुए अपनी टाइम मशीन की तरफ भागने लगता है। वो जमीन के डिस्ट्रक्शन का शिकार होने ही वाला होता है कि बचने की कोशिश में जल्दबाजी में वो मशीन को अननोन सेटिंग पर ट्रिगर कर देता है, लेकिन अचानक से एक झटका लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिससे अब उसकी मशीन लाखों साल आगे जाकर ट्रेवल करने लगती है, जहाँ पर जमीन डिस्ट्रॉय होने के बाद अपनी नॉर्मल हालत में वापिस आते हुए भी दिखाई देती है। इसके बाद जब एलेक्स को होश आती है, तो वो और आगे जाने से पहले ही मशीन को ऑफ कर देता है।
लेकिन तब तक एलेक्स 8 साल आगे के टाइम में आ चुका था। अब क्योंकि वो काफी इंजर्ड भी था, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स की जब आँख खुलती है तो खुद को एंशियंट कम्युनिटी के बीच में पाता है, और वो लोग एलेक्स की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, जहाँ पर वो एलेक्स को उनके लिए खतरा समझते हुए उसे मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन एक लड़की मारा, जिसने एलेक्स की जान बचाई थी, उसे एलेक्स की लैंग्वेज आती थी क्योंकि वो एक टीचर थी, जिसकी वजह से वो एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में भी जानती थी, जिसकी वजह से वो एलेक्स को उसकी कम्युनिटी के लोगों से बचा रही है। जहाँ पर एलेक्स मारा को बताता है कि मैं पास टाइम से आया हूँ, लेकिन मारा इस बारे में अपने लोगों को नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि उसकी कम्युनिटी के लोग उसकी साइंस को नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से वो एलेक्स को कोई एलियन समझकर उसे मार देंगे। अब मारा से कुछ देर बात करने पर एलेक्स को इस कम्युनिटी के बारे में और जानकारी मिलती है, जो जमीन पर चेंजिंग्स होने की वजह से एंशियंट लोगों की तरह माउंटेन्स और रॉक्स पर अपना घर बनाकर रहने लगे, जिनका रहन सहन 21st सेंचुरी के लोगों से बिल्कुल अलग था। रात को एलेक्स देखता है कि इंसानों ने चांद का क्या हाल कर दिया है। यहाँ पर एलेक्स की दोस्ती हो जाती है मारा के छोटे भाई से, और मारा के भाई को एलेक्स की वॉच बहुत पसंद आ जाती है, इसीलिए एलेक्स उसे वो वॉच दे देता है उसके पास रखने के लिए। लेकिन उसी रात एलेक्स को एक डरावना और काफी अजीब सा ड्रीम आता है कि उसे जंगल से कोई अजीब सा क्रिएचर पुकार रहा है, और जब वो एक काफी बड़े क्रिएचर जैसे दरवाजे से एंटर करता है तो उसकी आँख खुल जाती है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सेम यही वाला ड्रीम मारा के भाई को भी आया। तब मारा एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि ये डरावना सा अजीब सा ड्रीम हर रात हर इंसान को आता है यहाँ पर। इसके बाद वो लोग दोबारा से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मारा एलेक्स को कुछ बिल्डिंग्स के मलबे दिखाती है, और ये सारे मलबे एलेक्स के टाइम के ही थे, यानी पास टाइम के, और ये मलबा न्यूयॉर्क के किसी मीनार का था। फिर मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम पास टाइम से इस टाइम में क्यों आए हो, जिस पर एलेक्स उसे सारी बात बता देता है कि मैंने अपने टाइम में अपने एक बहुत ही खास और करीबी इंसान को खो दिया, जिसके टाइम को चेंज करने के लिए मैंने इतना लंबा सफर तय किया। इसके बाद मारा एलेक्स को उसकी टाइम मशीन की जगह पर लेकर जाने लगती है। अब यहाँ पर एलेक्स ने एक बात नोट की थी कि इस कम्युनिटी में कोई भी बुरा इंसान नहीं था, जिसके जवाब में मारा कहती है कि हाँ, अब बुरे इंसान हमारी कम्युनिटी में नहीं है। इसके बाद एलेक्स फाइनली अपनी टाइम मशीन तक पहुँच जाता है, इसीलिए वो फौरन अब अपने टाइम में जाने के लिए कोशिश करता है। जहाँ पर मारा एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे भाई को भी तुम अपने साथ अपने टाइम में ले जाओ। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स उसे कुछ कह पाता, वहाँ पर जोरों से ढोल बजने की आवाजें आने लगती हैं। असल में ढोल का ये बजना किसी खतरे के करीब होने का साइन था। तब मारा अपने भाई को बचाने के लिए जल्दी से उसकी तरफ भागने लगती है। तब एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, और तभी हम वहाँ पर उस खतरे को देख लेते हैं, जो कि काफी खतरनाक क्रिएचर था, जो कि आधी तो इंसानों जैसी थी और वो जमीन के नीचे रहते थे। अब क्योंकि इनकी आईज बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए वो रात के टाइम में ही बाहर निकलकर लोगों पर अटैक करते हैं। और खतरे वाली बात तो ये है कि ये कम्युनिटी के लोगों को खाकर सरवाइव करते थे। उनमें से एक क्रिएचर एलेक्स के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उस कम्युनिटी के लोग एलेक्स को बचा लेते हैं। लेकिन लास्ट में वो क्रिएचर मारा को लेकर जमीन में धंसते हुए अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर एलेक्स मारा को बचाना चाहता था, लेकिन उस कम्युनिटी यानी उस कबीले का कोई भी इंसान एलेक्स की हेल्प करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, और ये कबीले के लोग उन क्रिएचर्स के सामने नहीं टिक पाएंगे। अब यहाँ पर एलेक्स मारा के भाई से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी बहन को बचाकर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे उन क्रिएचर्स के बारे में जानना होगा, उन्हें समझना होगा। जिस पर मारा का भाई कहता है कि एक स्पिरिट ऐसी है जिसे उनके बारे में पता है। इसके बाद मारा का भाई एलेक्स को काफी दूर एक जगह पर लेकर आता है, जो कि कोई और जगह नहीं थी बल्कि न्यूयॉर्क की वही लाइब्रेरी थी, जहां उसकी मुलाकात उसी होलोग्राफिक लाइब्रेरियन से भी होती है, जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका था, यानी 2030 में। और ये लाइब्रेरियन इतने सालों बाद भी सर्वाइव कर गया, इसीलिए मारा का भाई उसे कोई भूत समझ रहा था। एलेक्स उस लाइब्रेरियन से पूछता है कि इंसान के फ्यूचर में दो अलग अलग एवोल्यूशन कैसे हो सकते हैं।
वो लाइब्रेरियन एलेक्स को कहता है कि जब जमीन डिस्ट्रॉय होने वाली थी तब कुछ लोगों ने जमीन पर ही जिंदगी गुजारने का डिसाइड किया, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी कबीले के लोग हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो डर की वजह से अंडरग्राउंड रहने लगे और वो लाखों सालों से वहीं पर ही रह रहे हैं। इसीलिए लाखों साल की एवोल्यूशन की वजह से उनकी बॉडीज चेंज होने लगी। अब क्योंकि वो काफी सालों से अंडरग्राउंड ही रह रहे थे, इसीलिए वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई सामान तो है नहीं, इसीलिए वो इस कबीले के लोगों को खाकर ही सरवाइव करते हैं। अब उन क्रिएचर्स के बारे में जानने के बाद अपने नाइटमेयर की मदद से उस क्रिएचर जैसे दरवाजे के पास पहुंचता है। इसके बाद वो अकेला ही उस खतरनाक सी केव में चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे बहुत सारी टनल्स अंदर नजर आती हैं, जिससे यहाँ पर एलेक्स समझ जाता है कि कैसे वो क्रिएचर्स जमीन के अंदर धंसते ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर्स इन्हीं टनल्स को यूज करते हुए कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद वो उसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो क्रिएचर्स कबीले के लोगों को मार कर उन्हें खा लेते हैं। और तभी अचानक से एलेक्स भी एक तालाब में गिर जाता है और वो तालाब हड्डियों से भरा होता है। लेकिन अनलकीली एलेक्स एक क्रिएचर के हाथ लग जाता है। आगे जाकर उसे मारा भी मिल जाती है, जो जिंदा थी लेकिन उसे कैद किया हुआ था। और मारा को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया हो। इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ता है और उसकी मुलाकात उन क्रिएचर्स के लीडर से होती है, जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। असल में ये उन क्रिएचर्स में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज है और ये वही था जो अभी तक सभी की नाइटमेयर्स में आता रहा था। फिर क्रिएचर्स का वो लीडर एलेक्स को बताता है कि हमारी स्पीशीज के बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर एक का अपना एक रोल है, और जो हम में से इंटेलिजेंट हैं उनके पास ये पावर है कि वो किसी के भी ब्रेन को कंट्रोल या फिर रीड कर सकते हैं। इसीलिए तो उसे ऐसा लगा कि मारा को किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है। फिर क्रिएचर्स का वो लीडर बताता है कि हमारा दूसरा ग्रुप ऐसा है, इन्हें जो कम इंटेलिजेंट है, इन्हें जिनका सामना तुमसे अब तक हो चुका है, यानी जो शिकार करते हैं। तभी सुनकर एलेक्स को काफी गुस्सा आता है कि तुम अपने ही स्पीशीज को हंट कर रहे हो। तभी बात सुनकर क्रिएचर्स के उस लीडर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को गले से पकड़ लेता है और वो एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है कि हम इविल नहीं हैं, बल्कि हमें तो ऐसा करना पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद वो एलेक्स के माइंड को भी रीड कर लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन पास्ट टाइम को नहीं बदल सकते और ना ही तुम अपनी फियांसी को दोबारा हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी फियांसी के मरने की वजह से ही तो तुमने अपनी सारी जिंदगी टाइम मशीन को बनाने में लगा दी। और अगर तुम्हारी फियांसी मरती ही ना, तो तुम कैसे जाती पास्ट टाइम में उसे बदलने के लिए। यानी एलेक्स की पास्ट टाइम में ट्रेवल करने की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी फियांसी थी। अब यहाँ पर एलेक्स सारी बात समझ जाता है कि आखिर वो क्यों पास्ट टाइम को चेंज नहीं कर पा रहा, और क्रिएचर्स की उस लीडर के पास ही एलेक्स की वो टाइम मशीन होती है। अब यहाँ पर वो लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम जल्दी से अपने टाइम में वापस चले जाओ, लेकिन एलेक्स की माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो टाइम मशीन को फ्यूचर की तरफ सेट करके मशीन के एक्टिवेट होते ही क्रिएचर्स के उस लीडर को खींच लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने लगते हैं और उन दोनों के बीच फाइट भी होने लगती है, लेकिन लास्ट में वो लीडर मशीन से बाहर लटक जाता है, जहाँ पर टाइम तेजी से चलने की वजह से अब वो बूढ़ा होने लगता है। वो देखते ही देखते स्केलेटन बनता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। और जब एलेक्स मशीन को रोकता है तो वो खुद को कई और साल आगे पाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जमीन प्लैनेट मार्स की तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जहाँ पर उसे सिर्फ वो क्रिएचर्स ही दिखाई दे रहे थे। तब ये देखकर एलेक्स समझता है कि शायद उन क्रिएचर्स ने उस कम्युनिटी के लोगों को मार दिया है और खा लिया है, और इसी वजह से जमीन अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। तब ये देखकर एलेक्स काफी परेशान हो जाता है, लेकिन अचानक वो डिसाइड करता है कि अगर वो पास्ट टाइम को चेंज नहीं कर सका तो कम से कम वो फ्यूचर को जरूर चेंज कर देगा। इसीलिए अब की बार वो उस टाइम में ट्रेवल करता है जहाँ पर वो क्रिएचर्स अब खत्म हो चुके हैं जमीन से। इसीलिए वो जाकर सबसे पहले मारा को रेस्क्यू करता है और फिर वो मशीन को एक्टिवेट करके उसके व्हील्स को अपनी उसी वॉच से जाम कर देता है, जिसकी वजह से वो मशीन अब खतरनाक वेव्स निकालने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो इन खतरनाक वेव्स की लपेट में आते
जाते या फिर वो उन क्रिएचर्स का शिकार होते तो वो जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब बहुत सारे क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी बचकर भाग रहे होते हैं और वो बहुत बार उन क्रिएचर्स का शिकार होने से बच जाते हैं और बचते बचाते वो कम्युनिटी के लोगों की मदद से सरफेस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन क्रिएचर्स को खतरे का पता नहीं था। इसके बाद वो सारे क्रिएचर्स खतरनाक वेव्स की लपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो हमेशा के लिए जमीन से खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि एलेक्स फ्यूचर को चेंज करने में कामयाब हो गया था, क्योंकि वो क्रिएचर्स तो अब जिंदा नहीं रहे थे, इसीलिए कम्युनिटी के लोग अब बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं और इसी वजह से शायद जमीन भी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। लेकिन फ्यूचर को चेंज करने के लिए एलेक्स को अपनी टाइम मशीन को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब यहाँ पर एलेक्स और मारा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, तो इसीलिए एलेक्स यहीं पर रहने का डिसाइड करता है ताकि वो मारा के साथ अपनी न्यू लाइफ का स्टार्ट ले सके। इसके बाद हमें एलेक्स का फ्रेंड दिखाया जाता है जो अभी भी 1903 में था, लेकिन अब क्योंकि काफी टाइम से एलेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, इसीलिए वो एलेक्स की यादों को भी हमेशा के लिए गुड बाय कह देता है, इस उम्मीद में कि शायद एलेक्स को वो मिल गया होगा जिसकी वो तलाश कर रहा था। और इसी के साथ ही